Hello everyone, welcome to Ignite Desire YouTube channel. So today we are going to talk about aptitude building for MCAT. ये question काफी बार comments में पूछा गया है. So I hope कि इस video को देखने के बाद आपको काफी सारे doubts clear हो जाएंगे. But before that, अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लो यार. इस पे masai school से related contents आते रहते हैं. इसके साथ ही आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हो. उस पे काफी सारे masaiians आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा काफी सारे doubts भी resolve हो सकते हैं उस channel पे. So यार join कर सकते हो आप. सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या सचमुच आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. आई मीन अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आपने रीजनिंग पे वर्क किया हुआ है, तो आपको एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपल सा ही एक तरीका अपना सकते हो कि आप सबसे पहले तो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जितने भी वीडियोस हैं एमसेट 1 और 2 के, उनको सॉल्व करके देखो. अगर आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो इजीली, सो आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. पर अगर आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी चाहिए. इसके साथ साथ मसाई स्कूल एमसेट 1 और 2 में कई बार एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रिपीटली पूछे जाते हैं, तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे देन आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाएगा. तो अब उनकी बात करते हैं जिनके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व नहीं हो रहे हैं या जिनको प्रिपरेशन की ज़रूरत है. सबसे पहले तो यार एक बात मन में रखोगी, मसाई स्कूल आपसे काफ़ी बेसिक लेवल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है. पहले तो हमारी वीडियोस के सारे क्वेश्चंस को करो, फिर टॉपिक वाइज एक लिस्ट बनाओ कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करो. उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट करने के बाद उन टॉपिक्स को बताने के लिए भी हमारी एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हो. सो उन टॉपिक्स को नोट डाउन करो एंड देन उसके बाद आप उनसे सिमिलर क्वेश्चन इंडिया वेक्स बैटल या फिर गीक्स फॉर गीक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो. बट प्रैक्टिस करते टाइम ये ध्यान रखना कि आपको इजी लेवल के क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं, क्योंकि मसाई स्कूल एमसेट 1 एंड एमसेट 2 में इजी क्वेश्चन ही पूछता है. तो आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है. वंस अगेन इट्स अप टू यू कि आप किस साइड से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो. आपके इस जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस, बिकॉज मसाई इजी लेवल के ही क्वेश्चंस पूछता है, तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस आपको लगभग हर साइड पे मिल जाएंगे. मसाई अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में इजी क्वेश्चन ही पूछता है, तो एक से दो हफ्ते मसाई के एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए काफ़ी समय होगा. और एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम फार्मूलाज एंड ट्रिक्स को नोट डाउन करते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको पास एक टाइम लिमिट होती हो कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो उस टाइम पे आपके पास अगर फार्मूलाज एंड ट्रिक्स पे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को काफ़ी ईजिली सॉल्व कर पाते हो. एक झटके में आपको आंसर पता चल जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही हो सकता है. सो इसके लिए भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिन पे आप ट्रिक्स को और फार्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हो जिनके थ्रू आप. सो अब आप ये हमको बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए. आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हो. आप लोग में यार अधिकतर लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो. सो सब्सक्राइब भी करो.